कोरोना से लोगों के रोजगार जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर शहर का मल्हार फाउंडेशन स्लम बस्ती के महिलाओं को पेपर बैग का ट्रेनिंग देकर रोजगार उपलब्ध करवा रहा है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता संजय मेरे इनकी ये रिपोर्ट अखबार की सुर्खियां में। नागपुर एक ऐसा शहर है जिसकी काफी विस्तार हुआ है। शहर के हर परिसर की खबर अखबारों में आती है, जिससे हर कोई अखबार खरीद कर पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद अखबार को रद्दी में बेच देते हैं, क्योंकि पेपर पढ़ने के बाद वो फिर कोई काम नहीं होता है। लेकिन शहर की एक ऐसी संस्था है जो रद्दी पेपर से स्लम बस्तियों की महिलाओं को रोजगार देकर उनका जीवन अच्छे से संवर्धित कर रही है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं मल्हार फाउंडेशन की, जहाँ इस मल्हार फाउंडेशन द्वारा रद्दी पेपर की सिलाई की जाती है। दिन भर में 300-400 पेपर की बैग बनाने के लिए सिलाई की जाती है। रद्दी पेपर की कटिंग करके उन्हें सही बैग के डिजाइन में चिपकाने का काम महिलाएं कर रही है। अब तक के हजारों रद्दी पेपर को बैग बनाए गए हैं। रिक्वायरमेंट के हिसाब से पेपर बैग के गट्ठे बनाकर बोरी में जमा किए हैं। रद्दी पेपर को सबसे पहले कपड़ों जैसे ही सुखाने के लिए रस्सी पर डाला जाता है। आप देख सकते हैं कि रस्सी पर सूख रहे ये पेपर बाद में बैग बनाने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। कोरोना और बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए मल्हार फाउंडेशन द्वारा एक अच्छी पहल की है, जिसकी सराहना शहरवासी कर रहे हैं। इस पेपर बैग को बनाने के लिए मल्हार फाउंडेशन के ये तमाम युवा साथी दिन रात काम कर रहे हैं। आइए सुनते हैं हमारे संवाददाता संजय मिरे इनकी ये रिपोर्ट अखबार की सुर्खियों में। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट संजय मीरे। दर्शकों, मैं आज मुझे बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हर कोई अब अपने घर में अखबार पढ़ता है और पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि अखबार पढ़ने से काफ़ी जानकारी जो हमें मिलती रहती है। और शहर में कई ऐसे अखबार है जो प्रतिदिन लोगों के घर में आते जाते रहते हैं, और अखबार की खास स्पेशलिटी यही है कि अखबार यानी न्यूज़ बोले तो नॉर्थ वेस्ट साउथ एंड ईस्ट, पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण, इन चारों दिशाओं से जो जानकारी जो हासिल इकट्ठा की जाती है, उसके बाद में उसे इसी अखबार के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। अखबार हम लोग पढ़ते हैं और अखबार को फिर रद्दी में डाल देते हैं, लेकिन क्या कभी आपने ये सुना है कि अखबार का कितना बड़ा महत्व है? मात्र पढ़ने से नहीं, अखबार के माध्यम से ऐसे लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं मल्हार फाउंडेशन की, जहाँ पे आज इन मिशन की टीम आई हुई है। अब हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से ऐसे वेस्ट पेपर का, अखबार का कैसे अच्छे से उपयोग किया जाता है और इसे रोज़गार दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यह एक मशीन दिखाई दे रही है और अखबार की सिलाई भी हो रही है। आपका क्या नाम है? मैं राजेंद्र कावरे जी। राजेंद्र, ये बताइए कि ये अक्सर कपड़े सिलाते हुए दिखाई देते हो, मगर आज अखबार सिलाने की ऐसी क्या नौबत आ पड़ी, क्या जानकारी दे रहे हो? जैसे कोविड सिचुएशन में जो रोजगार नहीं मिला था और हम बिल्कुल बैठे हुए थे, तो ये रोजगार हमको इस वजह से बहुत अच्छा मिला हुआ है। और हमारी कम से कम 300-400 बैग डेली बना दे सिलाई हुई जाती है और हमारा इससे ऊपर हमारा परिवार चल रहा है। तो देखा कि मात्र कपड़े सिलाने के लिए ही नहीं होता, तो बाकी अन्य कामकाज के लिए भी होता है। आप बताइए, आप क्या कहना चाहोगे, जब आपकी संस्था क्या काम करती है? हमारी संस्था कोविड सिचुएशन में जो गरीब महिलाएं थी जिनके पास जॉब नहीं था, तो हमारी संस्था जनरेट किया जॉब। उस जॉब के अंतर्गत जो नीडी महिलाएँ हैं जो घर में बैठी थी, तो उन महिलाओं को जॉब अच्छे से प्रोवाइड हो, तो हम उनको पेपर बैग जो हैं, जो न्यूज़पेपर होता है, तो उनमें से हम लोग एक बैग क्रिएट किया। उसमें थाली बैग, बिग कंटेनर और स्मॉल कंटेनर, इस पैटर्न के हमने वो बैग्स बनाई और महिलाओं तक पहुँचाया। और उन वो महिलाएं उनमें से कुछ अर्न करती हैं मनी, जो 150-200 रुपए रोज का घर में बैठ के वो कमाती है। कहते हैं कि कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, कुछ इसी कहावत को चरितार्थ करते हुए मल्हार फाउंडेशन की मेघा गोरे हमारे साथ में, उनसे जानना चाहेंगे। मेघा, आप बताइए कि इतने सारे महिलाओं को जब आप रोजगार देती हो तो कैसा फील करती हो, महसूस करती हो? मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि महिलाएं ये समाज का और परिवार का एक महत्वपूर्ण अंग है। मराठी में जिसे घरचा पाया म्हणतात, बाई ही घरचा पाया असते, त्यामुळे मला हा आनंद होतो ज्यावेळेला पाया हा मजबूत होतो। म्हणून मी खूप आनंदी आहे की मल्हारच्या आधार प्रकल्पामार्फत आज आम्ही 50 बायकांपर्यंत पोहोचलो आहे आणि भविष्यात ते 100 पर्यंत सुद्धा पोहोचू।
बिल्कुल, आप थोड़ा सा मोनू प्लान करके बताइए। देखिए यहाँ पे ये वही स्लम बस्ती जैसे कि दिघोरी यूनिट के नाम से एक दिखाई दे रहा है, उसके बाद में सूबेदार लेआउट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बीड़ीपेट यूनिट है, शांति नगर का यूनिट है, हसनबाग यूनिट है, उसके बाद में जाट तरोड़ी यूनिट है, अब इसके बाद में चिखली में भी ये लोग जाने वाले हैं और अपना यूनिट शुरू करने वाले हैं। आप क्या कहना चाहोगे? नमस्कार, मेरा नाम दीपाली है, मैं इंदिरा नगर यूनिट संभालती हूँ और वहाँ की जो स्लम में रहने वाली लेडीज़ है उनको मैं रोज़गार देती हूँ, मतलब किया है। 5 से 6 महिला मेरे साथ काम करती हैं। मिलिन, आप बताइए कि ये जब बैग बनती है तो बैग बनाने में काफ़ी तकलीफ भी होती है, लेकिन ये जो मटेरियल है क्या आपको किए कोई नेता हो या सामाजिक कार्यकर्ते घर घर से खुद ला के देते हैं, या आप कैसे कलेक्ट करते हो इन अखबारों को? हमें मतलब किसी नेता ने अभी तक के ऐसा कुछ सपोर्ट नहीं किया है, लेकिन ये जो है समाज का कुछ ऐसा हिस्सा है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सोशल वर्क में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना रहता है, तो जिनके घर में न्यूज़पेपर आता है वो रद्दी पड़ी रहती है, तो वो लोग हमें कॉल करते हैं। मल्हार को आज नागपुर के बहुत सारे लोग जानते हैं और अच्छे वर्क करके मल्हार पहुँचा हुआ है, तो वो लोग हमें कॉल करते हैं, हम लोग उनके पास से न्यूज़पेपर कलेक्ट करते हैं और उस रद्दी से हम लोग बैग बनाते हैं पेपर को चिपकाते हुए, और सारी महिलाओं को हमने साथ में लेके कुछ डेवलप करके ये पेपर बैग हम लोग बनाते हैं और जो व्यवसायी गए उन तक के बैग हम पहुंचाते हैं। तो दर्शकों, हमने ये मल्हार फाउंडेशन के उन तमाम लोगों से बातचीत की है, अब हम बात करने जा रहे हैं मल्हार फाउंडेशन के जो सचिव है गोरे जी, उनसे बात करेंगे। गोरे साहब, ये बताएं कि जिस तरह से ये जो बात आपके मन में कब आई कि अखबार का काफ़ी अच्छा उपयोग किया जा सकता है? जी नमस्ते, इन BCN का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक पहुँचने के लिए। ये जर्नी कोई आसान नहीं थी, मार्च के दिनों में या मई के दिनों में जब कोविड सिचुएशन अपने पिक पर थी तब कई बार हम सभी कार्यकर्ताओं ने और आपने और हमने सभी लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि कई ऐसे महिलाएं थी, कई ऐसे स्लम से महिलाएं थी जिन तक रोज़गार के माध्यम नहीं पहुंच रहे थे। आपको अगर याद होगा तो हमारे घर की काम वाली बाई, बर्तन वाली बाई, वो तक घर में बैठ गई थी कोरोना के डर से, और ये उस फैमिली के लिए बहुत कठिन था। जब हम लोग, हम में से कई भाई लोग अलग अलग संप्रदाय से, कई लोग लंगर कर रहे थे, कई लोग उन तक भोजन पहुंचा रहे थे, तब इस पूरे मल्हार परिवार ने उस वक्त ये सोचा कि रोटी तो दे ही रहे हैं सब लोग, ऊपर वाले का लाख लाख शुक्रिया, कहीं ऐसा भी एक और कदम उठा के देखते हैं शायद हम रोटी दे दें। लेकिन उसको पहुँचाना तक, उस ट्रेनिंग को, उस स्किल को उन तक पहुँचाना इतना आसान नहीं था। इस पूरे टीम ने, मेरे साथ जो भी पीछे टीम जुड़ी है, उस पूरे टीम ने यहाँ पर बैठ के अलग अलग स्लम्स में जाके रिसर्च कर, स्टडी कर, ये समझ में आया कि न्यूज़पेपर का हम इस्तेमाल कर सकते हैं उनके रोज़गार के लिए। अगोरे साहब, ये बताइए कि आज जब स्लम एरिया में जाते हो तो प्रमुखता से कौन सी बातें आपकी आपको नज़र आती हैं? उनका हाइजीन मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि उनका हाइजीन, उनके परिवार का स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और उनका फाइनेंशियल, मेरे ख्याल से जो हम आत्मनिर्भर कहते हैं, फाइनेंशियल इक्विटी कहते हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उस पूरे परिवार का स्ट्रगल बहुत हाई लेवल पे होता है। उस महिला को जिससे घर से निकलते नहीं बन रहा है, घर में ऐसे कई लोग हैं जो पैरालाइज्ड हैं, वो महिला अपने बच्चों को लेकर घर के बाहर नहीं जा पा रही है, हमारे पास वो अवसर दिया है शायद ऊपर में कि हम उन तक पहुँच पा रहे हैं। मेरी इस टीम ने जो मेरे साथ पीछे खड़ी है, कई बार उनके साथ बैठ के 4-4 घंटे ट्रेनिंग कर, रात को यहाँ जाकर सप्लाई के लिए प्रोसेस प्लानिंग कर, जिस तरह से आप आसपास मेरे यहाँ बैनर देख रहे हैं, 40 से ज़्यादा अलग अलग व्यवसायी को जोड़कर हम यहाँ तक पहुँचे। तो दर्शकों, आपने देखा कि आप थे गोरे जिन्होंने बखूबी बेबा के साथ बात करते हुए मल्हार फाउंडेशन के उन तमाम कामकाज के बारे में बता रही है, भी बताया कि किस तरह से रद्दी को जमा किया जाता है, रद्दी जमा होने के बाद उसे किस तरह से लोगों के काम लाया जाता है। आज देख रहे हम कि कोरोना के डर से कई लोगों के कामकाज, जॉब नहीं होने और बेरोजगारी का आलम था, ऐसे में कोई तो इस देश में, इस समाज में, इस दुनिया में है जो लोगों को रोज़गार देने के लिए पूरी शिद्दत से कामकाज कर रहे हैं, और उसी का एक ही नाम है मल्हार फाउंडेशन। मैं मल्हार फाउंडेशन के उन तमाम सदस्यों, पदाधिकारी और तमाम उन काम करने वाले कर्मचारियों के लिए बधाई देता हूँ और उन्हीं के लिए यही कहता हूँ कि हिमालय की है पुकार, बहादुरो बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो, आगे सबसे हो चलो। कैमरा पर्सन मोनू खान के साथ संजय मीरे, इन BCN न्यूज़ नागपुर।